लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में हुआ कार्यक्रम, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया अभिनंदन। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच ठनी, एसपी से मिलकर गार्जियंस ने प्रबंधन के आरोपों को बताया झूठ। कलेक्टर के निर्देशों पर सूत्र सेवा बसें 1 जुलाई से चलाने की तैयारी, इधर प्राइवेट बस संचालक संगठन धरने पर। और परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के 16 वर्ष पूर्ण वर्षगांठ पर पूजन अनुष्ठान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। और खबरों की शुरुआत से पहले कोरोना अपडेट, फिर एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारी अपने सम्मानीय दर्शकों से अपील है कि बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। और अब लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों पर एक नजर। जिला भाजपा कार्यालय में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह एक राष्ट्रभक्ति पूर्ण कार्यक्रम रहा। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश के संवैधानिक आदर्शों को समर्पित राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कार्यक्रम रहा। यहाँ जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा के सभी लोकतंत्र सेनानी बुजुर्गों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया और अभिनंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। सभी लोग रात में सोए हुए थे, किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और जो यह कार्यवाही अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तत्कालीन चुनाव मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई, 275 की संख्या हमारे छिंदवाड़ा गणेश चौक से छोटी बाजार के शराबी के लिए थे। 24 दिशा बंदी, एक परिवार में 2, 3, 7, 8, 9 ऐसी संख्या, और इसी के साथ कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों को भी किस प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा द्वारा जो आपातकाल के समय गिरफ्तार हुए बंधु थे, जिन्हें लोकतंत्र सेनानी संघ के नाम से जाना जाता है, उन बंधुओं का आज 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मान किया गया है। उसी सम्मान कार्यक्रम में और हम सभी लोग उपस्थित हुए। और इस प्रकार के प्रतिवर्ष कार्यक्रम 26 जून 27 जून 25 जून को आयोजित होते हैं, उसी के तहत आज का हमारा यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ। यहाँ पर हम सभी लोकतांत्रिक सेनानी का सम्मान हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की। प्राइवेट स्कूल वालों और गार्जियंस के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 26 जून को प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा लगाए गए आरोपों से आक्रोशित अभिभावकों ने आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल संचालकों ने अभद्रता और असामाजिक तत्वों की जो बात कही है, जो आरोप लगाए हैं, वो सरासर झूठे हैं। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल पहुंचने से लेकर हर पल के वीडियो फुटेज भी मौजूद हैं। हम लोग आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि वायरल वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि कहा गया कि असामाजिक तत्व और इस तरीके से हम अभिभावक गण को अपमानित किया गया। तो अभिभावक गण केवल अपनी पूरी फीस माफ कराने के चक्कर में नहीं घूम रहा है कि सारी फीस आप माफ कर दो, लेकिन जितने समय स्कूल बंद रहा है उतने समय की फीस क्यों दे? क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और लॉकडाउन के कारण बहुत स्थिति व्यापार की खराब हो गई, आवक बंद हो गई है। तो उनको भी मानवीयता का परिचय देते हुए केवल चालू समय के स्कूल की फीस लेनी चाहिए, ना कि साल भर की।
अच्छा, जब स्कूल में ट्यूशन फीस देने का निर्णय किया गया है शासन द्वारा, तो वो ट्यूशन फीस कितनी हो इसका भी निर्धारण अभी तक हो नहीं पाया है। तो वो उससे हमको मतलब हम लोग शंका में है कि एक्चुअल ट्यूशन फीस है कितनी, तो जब वो क्लियर हो जाए और कितनी फीस हमको देना है और चालू समय की स्कूल की फीस देने के लिए सारे अभिभावकगण बिल्कुल तैयार है, इसमें कहीं कोई गुंडागर्दी करने वाली कोई बात नहीं है और ना ही हम लोगों को इस तरीके से अपमानित करने की कोई जरूरत है। जी, आपका जय शर्मा। आप यहाँ पे एसपी साहब से मिलने आए थे कि अभी हम लोग ने परसों जो विज्ञा हमारी तरफ से जो आवेदन था, हमने दो स्कूलों में चस्पा करके आए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई लेने नहीं आया, तो हमने वहाँ पे चिपका के आए। तो हम यहाँ पे एसपी साहब से मिलने आए थे कि ये बताने कि हम लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से काम करने गए थे, शांतिपूर्वक कार्य हम लोग करके वापस आए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक कार्य असामाजिक तत्व नहीं थे, सभी पेरेंट्स वर्ग था। और हमारी एक ही मांग है कि जितने समय स्कूल लगा है उतने समय की फीस लिया जाए हमसे, बस। जी, आपका नाम? भूषण गुप्ता। गार्जियंस का कहना है कि उन्होंने प्रबंधन से मिलने की कोशिश की, फोन किए और अंततः अपनी मांग का ज्ञापन गेट पर ही चस्पा कर लौट गए। सर, हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, हम कल फर्स्ट स्टेप स्कूल गए थे, वहाँ पे हम ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमें कोई भी टीचर मिले नहीं थे, तो हमने वहाँ पे ज्ञापन को चिपका कर आ गए थे। तो मैडम का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें अभद्रता शब्द का प्रयोग किया गया है, असामाजिक तत्व का प्रयोग किया गया है, जबकि हमने वहाँ पे कोई अभद्रता नहीं करी, हमने तो शांतिपूर्वक हमारा ज्ञापन चिपका कर आए थे और हमारे साथ कोई भी असामाजिक तत्व नहीं थे, सारे पेरेंट्स लोग थे, तो उसी के लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे आज। मेरा नाम रिया शर्मा है। जो ज्ञापन हमने फर्स्ट स्टेप में देने गए थे तो सभी पेरेंट्स थे और सब शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में गए थे अपनी बात रखने के लिए, पर स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी आदमी ना बाहर आया, पूरा प्रशासन अंदर बंद था, पर कोई भी आने की किसी ने चेष्टा या ऐसी कोई कष्ट नहीं करा कि भाई हमारी बात सुन सके, पर सभी प्रताड़ित थे कि भाई फीस जब आप 6 महीने स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई तो हम उसकी फीस क्यों दें। हम सिर्फ इतनी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने गए थे और जब मैडम ने जो अभद्रतापूर्ण यहाँ पर जो दिया है वीडियो कि भाई पेरेंट्स आए थे उन्होंने वहाँ पर अशिष्टाचार किया है, अभद्रतापूर्ण अपनी बात रखी है और जो भी गलत कार्य किया है, जो भी उन्होंने कहा है, ये सब गलत है। और आज हमने एसपी सर को भी ये ज्ञापन दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने गए थे और भविष्य में भी रखेंगे। जी, आपका नाम? अंगद अग्निहोत्री। पुलिस अधीक्षक ने चर्चा कर सभी अभिभावकों को समझाइश दी और उन्होंने जरूरी एहतियात बरतने के लिए भी कहा। एक घंटे तक वहाँ पे वेट करते रहे, तो उन्होंने जब देखी वहाँ पे गवर्नमेंट से बोले कि आप फोन लगा के प्रिंसिपल मैडम को या कोई भी टीचर को बुला दीजिए तो हम ज्ञापन दे दें। तो बहुत देर तक हम इंतजार किए, फिर भी कोई नहीं आया, तो हमने वहाँ गेट के पास में हमारे ज्ञापन को वहाँ पे चस्पा दिए और हमने बस ये नारा लगाया था कि नो स्कूल नो फीस, मतलब जब से स्कूल लगी हुई हम तब से फीस देते हैं। तो कल जो वायरल वीडियो हुआ था उस वीडियो में हमने देखा है कि मैडम ने कहा है कि असामाजिक तत्व लोग आए थे, अभद्रता की गई है, तो जब कोई आया ही नहीं तो अभद्रता कैसे हुई? और वहाँ पे जो शांतिपूर्वक और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगा हुआ है, हम लोगों ने कोई ऐसी अभद्रता नहीं गई है। और वो वीडियो देखकर जो मेरी बेटी जो मात्र 9 साल की है, वो कल उस वीडियो को देख के इतना घबरा गई, इतना रोने लगी कि मम्मा मैडम हमको स्कूल से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि मैडम ने जो वीडियो में जो बोला था कि ऐसे पेरेंट्स लोगों के बच्चों को हम हमारे स्कूल में नहीं रख सकते। तो मैडम सर, क्या आवेदन देना कोई गलती है हमारी? देखिए, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि शासन के जो भी इसमें निर्देश है फीस वसूली को लेकर, उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। यदि उसमें ट्यूशन फीस बस लेने की बात है तो जिस तरह से बीते वर्षों में प्रक्रिया चलती रही होगी ट्यूशन फीस के संबंध में, बाकी सारे जो भी फीस के कंपोनेंट होते हैं जैसे बस चार्जेस, वाहन के चार्जेस हो गए या दूसरे कंप्यूटर लग गए, सब चीज़ें, तो जो चीज़ें हैं उसमें जो भी निर्देश शासन ने दिए होंगे, तो जिला शिक्षा अधिकारी को मैं मार कर देता हूँ, वो इसमें अद्यतन स्थिति स्पष्ट कर दें कि आज किस तारीख में स्कूल क्या क्या वसूल कर सकते हैं, क्या वसूल नहीं कर सकते, और उसके अनुरूप फिर सभी को इसमें फीस की अदायगी करनी चाहिए। रही बात आपके विद्यालय में जाकर ज्ञापन देने की, आवेदन देने की और उसके बाद टीचर्स के यहाँ पर आकर शिकायत करने की, तो उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, शिक्षक भी समाज का सबसे सम्मानित वर्ग में से एक होता है, वो आपके बच्चों को हमारे बच्चों को शिक्षा परवरिश देते हैं और बेसिकली वो अच्छा नागरिक बनने में मदद करते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा रहे, पैसा महत्वपूर्ण है परंतु सब कुछ नहीं है जीवन में, संस्कार बहुत जरूरी है जो स्कूल से बच्चों को परिवार के साथ साथ स्कूल से भी मिलते हैं, तो शिक्षक का सम्मान करना हमारी परंपरा रहेगी, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए।
अगर वो लोग पीड़ित होकर इस तरह से आए कि हमारे स्कूल का गेट खोल के अंदर घुसने की लोग कोशिश करते हैं, हो सकता है आप तीन अच्छे लोग हों, परंतु ऐसे ही कई सारे लोग हो सकते हैं जिससे उनको भी पीड़ा पहुंची हो और जिस वो बात भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सच के इर्द गिर्द घूम रही। मेरा आप लोगों को सुझाव यही रहेगा, कोई भी इस तरह की समस्या है तो आप जो शासन का माध्यम है उसको चुनिए, शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर साहब को मिलिए, SP साहब को मुझे मिल लीजिए, परंतु ऐसे 1-to-1 जाके विवाद करने से हल नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि अल्टीमेटली एक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, है तो पूरा शिक्षक वर्ग ना, वो सभी लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं कि कम से कम उनको सम्मान तो मिले उनके पद का, शिक्षक सम्मान का ही भूखा होता है, बाकी तो क्या ही, इस बात को भी ध्यान रखिए। रही बात आपकी इस फीस वाली समस्या की, तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी को इसमें स्पष्टीकरण करने के लिए क्या वर्तमान स्थिति है वो सबको बताएं, पब्लिक को पता रहे, आपको पता रहे कि क्या भुगतान करना है क्या नहीं करना, भ्रम की स्थिति ना रहे इसमें। लोग कई बार भ्रम के कारण भी ये सोच करके हम बिल्कुल फीस नहीं देनी है हमको, लोग मन में धारणा बनाए होते हैं कितना देना है कितना नहीं देना है, मैं उनको बोल देता हूँ तो पब्लिक में एक प्रेस की विज्ञप्ति वगैरह जारी कर देंगे ताकि आप लोगों को पता हो। जी इसमें सर जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि शासन के निर्देश जैसा कि बताया जा रहा है कि ट्यूशन फीस लेना है, तो अभी छिंदवाड़ा में किसी भी स्कूल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसकी ट्यूशन फीस कितनी है, यहाँ तक कि जब 11 विकास खंड से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जानकारियाँ बुलाई 22 कॉलम में, तो सिर्फ छिंदवाड़ा विकास खंड की यह स्थिति है कि यहाँ किसी भी CBSE संचालकों ने अभी तक ट्यूशन फीस ओपन नहीं की, ट्यूशन फीस न ओपन होने के कारण ये सब स्थिति भ्रम की बन रही है। तो हमारा भी अनुरोध है कि बैठ के इसका समन्वय निकालना चाहिए कि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उनके किसी खिलाफ आ रहे हैं, पर हमें अपमानजनक शब्दों से जो उन्हें नवाजा गया है सर, इस पर बहुत पीड़ा है, हम किसी भी प्रकार से बोला गया हो तो वो शिकायत कर सकता है, अगर सामूहिक रूप से कोई चीज बोली गई है तो जो व्यक्ति अच्छे हैं उनको नहीं लोड देना चाहिए। जी सर, अगर उन्होंने ये कहा है कि कुछ अभिभावक हैं जिन्होंने गाली गलौज की है, अगर आप उस कुछ में नहीं है तो अपने आप को बड़ी समझिए, और अगर आपने गाली गलौज की है तो आपका अपमान महसूस होना चाहिए। जी सर, ये किसी को भी शिक्षक को या किसी अन्य व्यक्ति को गाली गलौज करने का हक नहीं है, तो उस चीज को भी ध्यान रखें, सम्मान सबका है, हर किसी का सम्मान समान स्तर पे है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। बसों के पहिए कोरोना संक्रमण के टोटल लॉकडाउन का शिकार होकर जाम के जाम पड़े हुए हैं, दूसरी ओर तमाम हालातों के मद्देनजर दोबारा लॉकडाउन की परिस्थितियां बन चुकी हैं, जनता सार्वजनिक यातायात सुविधा से महरूम है। सरकार की मंशा के अनुरूप कलेक्टर सौरभ सुमन ने समीक्षा बैठक लेकर कम से कम सूत्र सेवा बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने यह जानकारी दी है कि सूत्र सेवा 1 जुलाई से प्रारंभ होंगी। इस संबंध में कलेक्टर सर द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि 1 जुलाई से बसों का संचालन, सूत्र सेवा की बसों का संचालन प्रारंभ किया जाए, और हमने इसको मैसेज कर दिया है, आदेश दे दिया है कि 1 जुलाई से वो बस सेवा प्रारंभ करें। जो प्रॉब्लम्स अन्य बसों के साथ टैक्सेस को लेकर वो इस सूत्र सेवा की बसों के लिए भी है, और इस माह में 30 तक के बाद वो एडवांस टैक्स जमा करके ऐसी कार्रवाई करें, इसका निर्देश उसे प्रदान किए गए। बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय लॉकडाउन नीति के अनुसार छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 3 से 6 महीनों तक के मोटर वाहन टैक्स माफ किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं। बस संचालक एसोसिएशन ने राज्य सरकार से मोटर वाहन टैक्स माफी के साथ लॉकडाउन के बाद वाहन संचालन नीति बनाए जाने की मांग की है। कोरोना की मार और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच धरने पर बैठे छिंदवाड़ा बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि या तो यात्री किराया बढ़ाए जाने की छूट दी जाए, या फिर डीजल की कीमतों में कम से कम 20% की छूट दी जाए। बस एसोसिएशन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश एसोसिएशन बस एसोसिएशन के समर्थन में हम लोग बसों का संचालन जब चालू करेंगे, पहले हमारा जो बसों का अप्रैल मई जून का टैक्स माफ किया जाए और आगामी 3 महीनों को और माफ किया जाए, उसके अलावा आज की पोजीशन पे डीजल 82 रुपये लीटर हो गया है, जो कि विगत वर्षों में कभी भी नहीं हुआ, जिसको देखते हुए किराया नहीं बढ़ाया गया, या तो गवर्नमेंट किराया बढ़ाने का करे या फिर डीजल में 15% 20% का रेट कम करे। उसके अलावा रेलों का संचालन नहीं हो रहा है 15 अगस्त तक, अभी यात्रियों का आना जाना नहीं है,
हम लोग ने समन्वय बनाकर अगर हम 25% या 50% बसें चलाते हैं तो हम लोगों को आई फार्म की सुविधा दी जाए जो देश में हर प्रदेश में है, केवल मध्य प्रदेश को छोड़ के। बस मालिक वैसे ही आर्थिक रूप से परेशान है और उसके बाद अगर बस चलाता तो अपनी जेब से नहीं लगा सकता। हमारे कर्मचारी भी जो है ड्राइवर कंडक्टर ये 3 महीने से बैठे हुए हैं, शासन को इनको भी मदद करनी चाहिए जैसे दूसरे प्रदेशों में शासन ने उनको मदद करी है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सरकारें जो चाहती है वो होता है और ऐसे होता है कि आपकी हमारी सोच तक बिना एहसास के बदल जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 21 दिनों से लगातार बढ़ रही हैं, यानी 20 दिनों में लगभग एक औसत माना जाए तो ये कीमतें 10 रुपए बढ़ी हैं। इसी को कहते हैं जोर का झटका धीरे से। अगर पेट्रोल और डीजल की यही कीमत एक दिन में बढ़ा दी जाती तो हर तरफ उबाल आ जाता, मगर 10 पैसे 30 पैसे 1 रुपए 2 रुपए करके कीमतें, पेट्रोल पावर 92 रुपए 77 पैसे लीटर और डीजल 81 रुपए 23 पैसे लीटर तक आ पहुंचा है। डीजल का रेट 81 रुपए 23 पैसे और पेट्रोल का रेट 89 रुपए 55 पैसे और पावर का रेट 92 रुपए 77 पैसे। जब कीमतें पूर्णांक होती थीं, यानी 50 रुपए लीटर या 40 रुपए लीटर, तब हम 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल या डीजल लेते थे, लेकिन हर दिन चिल्लर बढ़त के कारण जनता अभ्यस्त हो गई और दर्द महसूस न हो सके इसलिए हमने भी तरीका बदल लिया। अब हम लीटर में नहीं बल्कि 50 का 100 का 200 का पेट्रोल या 1500 का डीजल डलवाने लगे। 89 समथिंग हो गया है। 89 समथिंग जी। तो आप लीटर से डलवाते हो या 100 रुपए का या 200 रुपए का? नहीं, लीटर से तो नहीं डलवाता हूँ मैं, कभी भी मतलब जैसे 50 का जैसे अपने को जो भी लगता है उसके हिसाब से डलवाता हूँ। तो उसमें पता कितना पॉइंट पेट्रोल आता है? नहीं, वो तो मुझे आइडिया नहीं है। तो आप कैसे पेट्रोल कैसे डलवाते हैं? देखने पैसे देते डाल देते, पैसे देकर डलवाते, उसमें पता कितना पॉइंट आता है पेट्रोल? नहीं, ध्यान नहीं देते। पेट्रोल का 90 रुपए। तो आप अभी पेट्रोल लीटर से डलवा रहे हैं या पैसे? नहीं, पूरा राउंड फिगर। राउंड फिगर से कितने का पेट्रोल? 100 रुपए। 100 रुपए का। आपको पता है कितने पॉइंट पेट्रोल आता है? नहीं, अभी नहीं पता, देखना। पेट्रोल क्या भाव अभी पता आपको? नहीं, अरे रेट देखना भाई, ये रेट देखना। 91 रुपए कुछ पैसे बताए। 91 रुपए। आप कैसे पैसे से डलवाते हैं, मतलब राउंड फिगर 100 रुपए का 50 रुपए का? 110। आप लीटर से नहीं डलवाते? डीजल का भाव मालूम? क्या भाव चल रहा है डीजल? नहीं मालूम यार भैया। डीजल आप कैसे डलवाते हैं? फुल टू फुल कराते हैं। फुल टू फुल कराते हैं। हाँ ठीक। कितना डाला पता आपको? 70 रुपए। 70 रुपए। और अभी क्या भाव चल रहा है वो पता है? 80 81 रुपए 81 रुपए है ना। कमाल, ये कमाल है जो चिल्लर कीमतें बढ़ाने से पैदा हुआ है। सोची समझी
पीएचडी के बाद। मौसम बारिश का है तो बारिश लाजमी है, लेकिन मानसून के शुरुआती दौर में लोग छाता रेनकोट के आदि नहीं हुए हैं। आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश ने सामान्य जनजीवन प्रभावित किया। तेज बारिश के बीच लोग भागते दौड़ते नजर आए। परम संतोष श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर की स्थापना को आज 16 वर्ष पूरे हुए। वर्षगांठ के अवसर पर मंदिर में प्रभु श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की गई। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। आज परम संतोष लक्ष्मीनारायण मंदिर में मंदिर का निर्माण 2004 में हुआ, उससे हेतु परम संतोष लक्ष्मीनारायण मंदिर की वर्षगांठ आज है। और इस वर्षगांठ में शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार वर्षगांठ बड़े धूमधाम हल गुल्ला के साथ में मनाई गई, जिसमें टोटल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दूरी बनाए रखी और भगवान श्री का अभिषेक, पूजा, हवन, आरती, महाआरती के साथ में भगवान को नैवेद्य अर्पण किया गया, भोजन अर्पण किया गया एवं पुष्पों की माला के साथ में उनका श्रृंगार किया गया। परम संतोष लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति के द्वारा पिछली वर्ष यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सब काम भगवान लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा से संपन्न हुआ। जय श्री हरि। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में हुआ कार्यक्रम, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया अभिनंदन। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच ठनी, एसपी से मिलकर गार्जियंस ने प्रबंधन के आरोपों को बताया झूठ। कलेक्टर के निर्देशों पर सूत्र सेवा बसें 1 जुलाई से चलाने की तैयारी, इधर प्राइवेट बस संचालक संगठन धरने पर। और परम संतोष श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के 16 वर्ष पूर्ण वर्षगांठ पर पूजन अनुष्ठान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।